दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर हम आपके सामने हाजिर होते हैं और जो मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं इस वसंत कृषि वसंत प्रदर्शनी को लेकर कि सरकार का ये आयोजन लोगों को किसानों को कहां तक लाभ पहुंचाएगा और उनकी क्या डिमांड्स है जो फुलफिल नहीं हो रही है, पूरी नहीं हो रही है, वो क्या चाहते हैं और यहाँ पर क्या चीज़ें दिखाई गई है। हम जानते हैं कि ये देश हमारा किसानों का देश है और देश की अर्थव्यवस्था की जो बुनियाद है, वो जो ताकत है, रीढ़ की जो हड्डी है, वो किसान ही है। अगर वो कमज़ोर होगा तो देश कमज़ोर होगा। देश के विकास में किसानों की एक बड़ी भूमिका है। तो इसी तरह से हमारे साथ जो है महिलाओं का इसमें भागीदारी, हम पुरुषों से बात कर रहे थे, महिलाओं की भागीदारी इसमें बहुत बड़ी है। जब तक महिलाएं इसमें हिस्सा नहीं लेती, क्योंकि 50 से ज़्यादा प्रतिशत महिलाएं, बल्कि 60% महिलाएं जो है खेतों में काम करती है। कहाँ से आए हैं हम? मासा नाव सौ पुष्पलता आनंदराव मंगर, मुक्काम पोरला तालुका गडचिरोली जिल्हा गडचिरोली। खेती करते हैं? आणि माझ्याकडे सध्या 5 एकर शेती आहे पोरल्याला, पोरल्या गावाला 5 एकर शेती आहे। आमच्याकडे नुसती धानाची शेती होते, दुसरं पीक काही पिकत नाही आणि कमी पाण्याची कोरडवाहू शेती आहे। कोरडवाहू शेती असल्यामुळे खूप पाणी कमी पडल्यानंतर उत्पन्न कमी होते आणि यावर्षी अति पाऊस झाल्यामुळे उत्पन्न कमी झालं। 5 एकरामध्ये फक्त 28 बोरे मला धान झाले आणि ते श्रीराम धान होतं। आणि नेमकं धानाची चुरणी केल्याच्या नंतर ज्यावेळेस त्याला जसं भाव मिळायला पाहिजे तसं तर काही नव्हतंच, कमी होते आणि 28 पोत्यामध्ये खर्च अधिक होत असते। 100 रुपये जवळजवळ महिलांची रोजी असते आणि आम्ही काय शेताकडे मजुरांकडून काम करून घेतो, आम्ही तर स्वतः काही करत नाही। पण संपूर्ण तसं जर उत्पन्न जर पाहायला गेलं तर ते संपूर्णच उत्पन्न मजुरांना जाते आणि आम्हाला शिल्लक काहीच उरत नाही। यहाँ पर आए तुमने तो क्या देखा? हाँ, यहाँ पे तो मैं मराठी में बात करूँ, इथे मी आली आणि हे मला सगळं खरंच चांगलं वाटलं। कारण याच्या आधी 2005 मध्ये मी नाशिकला कृषी प्रदर्शन बघितलेलं आहे आणि त्याच्यानंतर हे सर्वात मोठं प्रदर्शन म्हणून मी आज इथे आलेली आहे। तसं पाहू जाता मला येण्यासारखी माझी परिस्थिती नव्हती, कारण माझ्या मिस्टरांना पॅरालिसिस झालेलं आहे। तरी पण माझी इच्छा असल्यामुळे मी या कार्यक्रमाला यायला तयार झाली आणि माझ्या मुलाला शाळेत न जाऊ देता घरी ठेवून मी हे कार्यक्रम पाहायला आली। प्रचंड धन्यवाद, बहुत बहुत। आप सरकारला तुम्ही काय संदेश देणार? सरकारला संदेश देण्यासारखं असं मला तरी काही वाटत नाही, कारण म्हणजे आमच्याकडे कृषी सहाय्यक म्हणून चलाक बाबूसाहेब आहेत आणि ते वेळोवेळी गडचिरोलीहून पोरलेला येतात आणि ते पोरलेचेच कृषी सहाय्यक आहेत आणि ते आम्हाला प्रत्येक वेळी मदत करतात। प्रत्येक पिकाच्या वेळेस काय करायचं, कोणती नवीन अवजारं निघाली, नवीन औषधं आली, नवीन रासायनिक खते आली, तरी पण ते आम्हाला सांगतात आणि त्याच्याप्रमाणे आम्ही ते सगळं खरेदी करतो। ये चंद्रपुर से थी जो महिला किसान गडचिरोली से जो हमें बता रही थी कि इस दफा पानी बहुत ज्यादा होने के कारण जो है जो फसल है वो बहुत कम हुई है, इसलिए जो है उन्हें मजदूरी बहुत ज्यादा देनी पड़ी और बचेगा उन्हें कुछ भी नहीं। तो ये तकलीफ है अलग अलग क्षेत्र से आए हुए किसानों की, लेकिन एक्सपो में यहाँ इस कृषि वसंत में आकर उन्हें लाभ मिला। इससे पहले भी वो एक नासिक में पहले वो जा चुके हैं, वहाँ से उन्होंने बहुत सी चीजें हासिल की थी। तो हम भी ये आशा करते हैं कि भविष्य में यहाँ से भी कुछ संदेश लोगों तक जाए। इथे पण मला प्रदर्शनात बरेचशी वस्तू चांगली वाटली, तर माझ्याकडे पॉवर टिलर आहे, खूप आधी 1 लाखाच्या 87,000 मध्ये आम्ही घेतलेलं होतं आणि आता तो थोडीशी नासधूस त्याची झालेली आहे, त्याला जागजुजी करायची आहे। आणि मला कापणी यंत्र बघितलं ते मला खूप आवडलं, कारण आमच्याकडे मजूर मिळत नाही आजकाल, कारण बंगाली लोक जेव्हा तिथे येऊन राहिलेले आहेत आणि ते टरबुजाची लागवड करत आहेत, त्याच्यामुळे सकाळपासून मजूर लोक तिकडे जातात, आमच्याकडे मजूर मिळत नाही, त्याच्यावर खूप प्रॉब्लेम होतात। म्हणून त्याच्यासाठी अशी उपयुक्त अशी पॉवर टिलरला जोडणारी कापणी यंत्र मला खूप आवडलेलं आहे। आपने देखा की जिस तरह से लेबर की जो प्रॉब्लम्स डेव्हलप हो रही है, मजदूरों की प्रॉब्लम जो बढ़ रही है देश के अंदर, तो वहां पर ये टेक्नोलॉजी जो मजदूरों को काटती है, मतलब मजदूरों की जिसमें जरूरत कम पड़ती है, वो टेक्नोलॉजी भी को पसंद करने वाले किसान यहाँ पर बहुत आए हैं और वो इसे पसंद कर रहे हैं। धन्यवाद। अपन को मलकापुर कसा वाटला तुम्हाला प्रदर्शनीला? ठीक वाटलं प्रदर्शन। का पाहिला तुम्ही? सगळंच पाहिलं याच्यामध्ये, कापणी यंत्र, मळणी यंत्र, कशाची शेतीची, कापूस गहू, कशी फसल आहे आता? आता सध्या ठीक आहे। तुम्ही सरकारला काही संदेश देणार? हा, सरकारला पण आम्हाला ती सबसिडी जी भेटते की नाही, गॅस वगैरे वगैरे, ते उशिरा भेटते, जमा होत नाही, रॉकेलचा प्रॉब्लेम आहे, तो भेटत नाही, अन्नधान्य भेटत नाही लवकर, कापसाला भाव नाही, तो 5,000 रुपये भाव कमी पडते ना कापसाले,
देखा आपने कि जो कपास जो सोना है वो उसका रेट जो है दिन ब दिन गिर रहा है, तो ये शिकायत किसान को भी है। तो हमारे साथ मध्य प्रदेश से भी किसान हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ एम पी से? छिंदवाड़ा जिले से हूँ मैं, देवेंद्र केदार जी। आप खेती करते हैं? हाँ मैं खेती करता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, बी एस सी किया हूँ, लेकिन मैंने खेती करने तो हथियार किया हूँ। सोयाबीन, कपास, मूंगफली और संतरे का बगीचा है, लेकिन संतरे का बगीचा इस बार कोल्शी रोग आ जाता है और नीचे में दीमक लग जाती है, उस कारण संतरे का बगीचा जितना चाहिए उतना उत्पन्न हो नहीं रहा है। और सरकार की तरफ से हम लोगों ने कई बार गुजारिश भी की है, हमारे के सांसद कमलनाथ जी है, सेंट्रल मिनिस्टर है, उनका हमने गुजारिश की है कि उन लोगों ने यहाँ पर पंजाब कृषि विद्यापीठ के माध्यम से, वहाँ पर कृषि अनुदान संस्था के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी योजनाएं वहाँ पर लाई है, उसका बहुत सारा फायदा हम लोगों को मिला भी है। और वहाँ के मुख्यमंत्री भी है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कृषि के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लगाई है। उसके बावजूद भी हम लोग जो महाराष्ट्र में आते हैं तो उससे हम लोग को ऐसा लगता है कि कहना कि हम लोग थोड़ा पिछड़ा हुआ लगता है हम लोगों को मध्य प्रदेश, लेकिन महाराष्ट्र के किनारे में रहने के कारण हम लोग उसका उपयोग लेते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो महाराष्ट्र का ही पहले हिस्सा हुआ करता था मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश पहले महाराष्ट्र जो सीबीएम बरार जो था महाराष्ट्र का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए हम लोग मराठी भी बोलते हैं, महाराष्ट्रीन है हम लोग, मराठी में भी बात करते हैं हम लोग, लेकिन समय के हिसाब से हम एमपी की कहलाएंगे अभी जी। तो आपको कितना समय लगा प्रदर्शनी घूमने में? कम पड़ा के ज्यादा रहना चाहिए? नहीं अभी तो आधा प्रदर्शनी घूमना नहीं हुआ, हम लोग सुबह 10 बजे से आए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि शाम तक हम घूम पाएंगे नहीं, लेकिन पूरा प्रदर्शनी देख के जाएंगे। और महाराष्ट्र सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं हम लोग कि उन्होंने नागपुर में मध्य भारत की हृदय स्थल में उन्हें आयोजन लिया, जिससे कोने कोने के भारत के हर कोने से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी यंत्रणाएं भी है, जो जब थोड़ी देर पहले महिला ने बात किया था कापनी यंत्र, उसके साथ बहुत सारे यंत्र हैं यहाँ पे कि जो हम लोग उसका क्रियान्वयन करें। एक छोटा सा प्रोजेक्ट यहाँ पे लगा था साइकिल का, साइकिल से पंप बाहर निकाल रहे थे, बिजली की प्रॉब्लम रहती है, कहीं की कोई दिक्कतें भी आती है, तो जो कुछ कुछ मैनुअल प्रोग्राम जो है, मैनुअल प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और निश्चित रूप से इससे छोटे किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। आप क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? मैं संदेश देना चाहूँगा कि जो गरीब किसान है, उन्नत किसान के साथ साथ जो गरीब किसान है, जो इस यंत्रणा को उपयोग में नहीं ले सकते आर्थिक तंगी के कारण, और अभी जो सोयाबीन की फसल है, कपास की फसल है, संतरे की फसल है, जितनी मुबलक मतलब जितनी अधिक मात्रा में होनी चाहिए थी उतनी अधिक मात्रा में नहीं हुई है, सोयाबीन की फसल प्रायः प्राय सभी खेतों किसानों की नष्ट हो चुकी है, ऐसे समय में उनको आर्थिक दृष्टि से मदद करना चाहिए। और ये जो यंत्रणा है इसको सब्सिडी के तौर पर देना चाहिए और बैंकों की तरफ से ऐसा कुछ प्रावधान होना चाहिए। सब्सिडी है लेकिन ऐसा लगता है कि वो सब्सिडी उतनी मुबलक नहीं है उनके किसानों के हिसाब से, माफ होना चाहिए। सब्सिडी 100% सब्सिडी कर देनी चाहिए उनकी काबिलियत के हिसाब से, या छोटा किसान है मध्यम किसान है उसके हिसाब से सब्सिडी जाहिर होनी चाहिए। दोस्तों बहुत मुद्दे की बात थी जो आपने कही कि जो गरीब किसान है वो जो यहाँ हमने नई टेक्नोलॉजी है वो किसान उसको हासिल नहीं कर सकता वो गरीब होने के कारण, तो सरकार को फाइनेंशियली उसे मदद करनी चाहिए और सब्सिडी नहीं बल्कि उसे मुफ्त में वो चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो एग्जिस्ट कर सके ऐसे माहौल में। जैसा अभी कपास का जो रेट निकला है हमारे यहाँ पे 5300 चल रहा है, यहाँ पे 5000 रुपये चल रहा है अभी, तो 5300 रुपये जो कपास का रेट है 5300, यहाँ पे जितने भी किसान भाई होंगे उनसे आप पूछ लीजिए कि 5300 में कपास पुरा रहा है कि किसी नहीं, कि 5300 में जो अतिवृष्टि हुई है तो उनकी लागत भी आप देखोगे तो लागत भी नहीं निकल रही है। तो ऐसी कंडीशन सरकार की तरफ से ये होना चाहिए कि जितनी सारी सब्सिडी इंडस्ट्रीज को दे रही है, बिजली डिपार्टमेंट की सब्सिडी इंडस्ट्रीज को जारी हो रही है, बहुत सारी सब्सिडी उनके जो प्रोडक्ट है बाय प्रोडक्ट जो बन रहे उनको भी सब्सिडी जारी हो रही है, गन्ने के किसान को देख लो उनको सब्सिडी जारी है, लेकिन उनका जो बाय प्रोडक्ट जो मार्केट में आ रहा है, गन्ना ले रहे हो कपास जो गन्ना खरीद रहे, जिनिंग वाले भी कपास खरीद रहे, उनको जो सब्सिडी किसान सरकार दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है, वो सब्सिडी सीधी सीधी किसानों को देनी चाहिए। जो अपने जो गन्ना है ऊस जाला म्हणतो आपण, ते ऊसाची जे मळणी करतो आपण आणि त्याला जे आपण मार्केटमध्ये नेल्यानंतर कारखान्यामध्ये जातो आणि कारखान्याची जी साखर बाहेर येते ती साखर कास्तकारांसाठी काय भावामध्ये पाहिजे, तो प्रश्न महत्त्वपूर्ण सरकारने त्याला नोंदणी केली पाहिजे जी। बहुत ही खास बात आपने कही की हमारा देश जो है ये सोशलिझम से कॅपिटलिझम की तरफ जा रहा है, ये जितनी भी फॅसिलिटीज